हेलो रेमो सर। हेलो हेलो, हाउ आर यू? चलो भाई सब लोग साथ में। आजा महेश पीछा। अरे यार थोड़ा पीछे करना और ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर ले ऊपर ही। अरे बैठ जा, बैठ जा, वेरी गुड, बैठ जा भाई, अंदर लेना फ्लैश। अरे आवाज कैसे आ रहा है? म्यूजिक डाले, म्यूजिक म्यूजिक बंद हो जाता है। सीजर सीजर हिमांशु सीजर किधर है? इसका जो है हमारा मॉल होना या कॉपीराइट है सर? किधर है? 5 मिनट 5 मिनट कर रहा है, कॉपीराइट पूरा करता है। तलवार दे दो भाई। मैं नीचे आके बैठ जाऊँ? नहीं ये भी बैठा है नीचे। हाँ? नीचे हाँ जाओ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे आप ऊपर जाओ, मेरे आगे आ गए। अरे नीचे बैठो, नीचे बैठो, पीछे जा। लाओ लाओ लाओ, हाँ देखो आ गया, चलो कैचे आ गया, चलो कैचे आ गया, चलो मिल रहे कैची अभी। इधर आएगा कैची, चले अपने रूम चलना, सेंटर में धक्का मारना रहा अभी, इतना अंदर मत रखना। अरे क्या बात है, सामने देखो रेमो भाई। सर काटो मत, एक मिनट देखो, यहाँ पे देखो, इधर लुक दो सर, सामने रेमो सर इधर देखो। अरे धार लगा के आते, अरे नहीं सर मजबूत, अरे तोड़ दो। नहीं नहीं रिबिन रिबिन मजबूत है, रिबिन मजबूत है, खोल दो उधर, खोल दो उधर। नहीं नहीं खोलेंगे तो काटना नहीं बोलता है। विनोद लाइटर देना, लाइटर से लाइटर दे, चल हाँ लाइटर है। उधर से लेते एक फोटो, सोलो सोलो खुले के साथ लेने वाले तुम लोग। सर सोलो सोलो रेमो भाई, सोलो सोलो वन मोर वन मोर सर सेंटर में, वन मोर यहाँ पे सर, यहाँ पे चेंज साथ में अलग सोलो साथ में बोल दे। ये वही ना बात, ये ठीक है, एक बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहले तो बताएं कि ये स्टूडियो आपने आपके ही, ये एक्चुअली हमने एक कॉन्टेस्ट किया था मौज में सुपरस्टार हंट की, और उसमें हमने बहुत सारे लोगों को कहा था कि डांस करके दिखाइए, जो भी विनर होगा उसका उसको मिल हमसे मिलने का मौका मिलेगा, ये होगा। बट मुझे नहीं पता था कि हिमांशु
इतना आगे चला जाएगा कि वो पीछे हो यार। ना ही हमारा सुपरस्टार रन जीता है लेकिन उसने स्टूडियो खोल लिया है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं भी आया था नए नए यहाँ पे मुंबई में, तो मैंने भी एक ड्रीम लेके आया था कि मैं भी आऊँगा मुंबई में कुछ करूँगा या खुद का स्टूडियो बनूँगा। तब मैंने किया था और बहुत मुश्किल लगी थी मुझे, क्योंकि तब ये सब कुछ नहीं था जो अभी है। बट थैंक गॉड कि इसका टैलेंट बोला और इसके टैलेंट की वजह से आज इसने बहुत जल्द ही एक स्टूडियो खोल लिया है मुंबई में। सो कंग्रेचुलेशन, मैं उसी के लिए यहाँ पे आया हूँ और स्टूडियो देख के बहुत बहुत खुश हुआ। हिमांशु जी, मतलब आए हैं कितना बेस्ट मोमेंट है। मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि रैमो सर मेरे आइडल हैं, मैं उनको देख के मतलब बहुत कुछ सीखा हूँ। मतलब पहले कभी मिला नहीं था, लेकिन उनकी कहानियाँ, उनकी जो जर्नी रही है सर की, मतलब वो इतनी मोटिवेशनल है। उनकी जर्नी सुन के मतलब कि एक डांसर के लिए इतना मोटिवेट हो जाता सुन के। तो मतलब हमेशा से सर को मतलब DID से बहुत पहले से मतलब फॉलो करते आ रहा हूँ, और हमेशा से मतलब एक सपना था मेरा कि कभी मैं मुंबई में डांस स्टूडियो अपना ओपन करूँगा। और फाइनली जब मैं मोस्ट सुपरस्टार हंट जीता और सर के सॉन्ग पर मैंने परफॉर्मेंस किया था, तो मैं एज अ उसमें विनर रहा था और बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और मैं वेट कर रहा था कि सर के साथ में कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा। फिर सर के साथ में एक बार मौका ज़रूर मिला था कि मैंने सर के साथ में एक ऐड शूट किया था, लेकिन फिर उसके बाद जो आज मौका मिला है कि मतलब मेरा डांस स्टूडियो और डांस के भगवान रेमो सर मतलब मेरे मतलब यहाँ पर आ गए, ये इससे ज़्यादा बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है, लेकिन एज अ सेलिब्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू कब आपको ऐसा लगा कि इट्स वेरी यूजफुल प्लेटफॉर्म, और कब आपको ऐसा लगा कि इट्स नॉट सो यूजफुल? आई मीन देखिए दोनों चीज़ें हैं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है कि यूजफुल भी है और नॉट सो यूजफुल भी है। यूजफुल इसलिए है कि आजकल हमारी तरह नहीं कि हर जगह जाके हमको डांस करना पड़ता था, आप एक वीडियो शूट करो और सब लोगों के पास पहुँच जाते। हमारे टाइम में तो सब लोगों के पास हमको पहुंचना पड़ता है। सोशल मीडिया की वजह से ये है कि टैलेंटेड लोग जो हैं वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और अच्छा टैलेंट है जो उनका सही है, लेकिन नॉट सो यूजफुल हम देख ही रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो बहुत ही कुछ भी होते हैं उसमें और अच्छे नहीं होते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए नहीं अच्छे, और वो भी चल रहे हैं और इसी वजह से है। बट मैं कहूँगा कि यूज़फुल ज़्यादा है क्योंकि टैलेंट सबको दिखा। पर जब आपने करियर की शुरुआत की थी तो सोशल मीडिया जैसी कोई चीज़ थी नहीं, फिर भी आप कामयाबी मिली आपको, तो ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से आपको क्या लगता है सेलिब्रिटी बनना आसान है, मुश्किल है, एक स्ट्रेंथ है, क्या मानते हैं इस चीज़ को? देखिए आसान तो हो गया है क्योंकि फट से आप सब जगह पहुँच जाते हैं, और अगर आप टैलेंटेड हैं और अपने अच्छा को वीडियो बनाया जो वायरल हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली एक वीडियो से आपका आप तो सेलिब्रिटी बन जाते हो। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है हमारे सोशल मीडिया में, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आज सेलिब्रिटी बन गए हैं जस्ट डूइंग दोज वीडियोस। सो सर सक्सेसफुल डायरेक्टर, सक्सेसफुल कोरियोग्राफर, देहाती डिस्को फिल्म आ रही है गणेश सर की, एक्टिंग के बारे में क्या आपका है कि एक्टिंग का कोई आपका पैशन है या? पैशन तो नहीं है, आया था उसी लिए लेकिन मुंबई लेकिन अभी फिलहाल तो बिल्कुल ऐसा सोचा नहीं है। कुछ भी अगर कुछ इंटरेस्टिंग आया तो मेबी। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, क्योंकि हमने आपके ABCD भी देखी, तो नेक्स्ट क्या देखेंगे आप? जल्दी देखने को मिलेगा आपको, स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई है और जल्दी से अनाउंसमेंट होगी। मैं नाम और एक्टर नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी तक अंडर रैप में, बट इसी साल डांस पर बेस्ड हो नहीं, इतना है कि डांस पे नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड गुड लक।